वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिएगा। हम लोग चले थे इस्लामाबाद से और पहुँचे थे रावला कोट, और रावला कोट से अब हम आगे जा रहे हैं तोली पीर की तरफ। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है और ऊपर टॉप पर जाकर मेडोज हैं और वहाँ से जो नज़ारा मिलेगा हमें। अभी ऑफ सीज़न है तो कोई टूरिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, जस्ट जो लोकल है यहाँ के वो ही हैं। कभी कभी ब्लंडर हो जाते हैं इंसान से, जो कि मुझसे आज हुआ है। अच्छी लोकेशन के चक्कर में मैं इतना आगे आ गया और अब कोई नाश्ते की जगह मिल नहीं रही। बस पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। इधर ही पार्किंग एरिया है जहाँ पर बाइक पार्क करनी है और फिर ऊपर हाइकिंग है। यार एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी तोली पी रहे हैं अगर कुछ खाना हो आपने तो नीचे खाई गला से खा लें। मैंने गलती की है और पूरे रास्ते मुझे कुछ नहीं मिला। एक जगह पर शॉप आई थी लेकिन वहाँ पर दिल नहीं कर रहा था बैठने का। अभी यहाँ पहुँचा हूँ, बिल्कुल सुनसान है क्योंकि ऑफ सीज़न है, कोई भी मौजूद नहीं है। अभी यहाँ देखता हूँ, यहाँ चाय वगैरह है, यहाँ से कुछ लाइट सा खाते हैं और फिर नीचे वापस खाई गला चल के वहाँ से कुछ खाएंगे। बादलों का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट धूप पड़ रही है। मैं फुल टॉप तक नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं बंजोसा लेक। बंजोसा लेक का सीन ये है कि चारों तरफ पाइन ट्रीज़ हैं और बीच में वो लेक है, तो वहाँ पर यह डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही होगी, तो वहां चलते हैं। यार अभी इस टाइम आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था उस टाइम ये जो नज़ारा था, घने बादल आए हुए थे, मैं ऊपर वहाँ टॉप पर गया था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। वो सामने पीछे वो पहाड़ जो थे बर्फ़ से ढके हुए थे और क्या ही कमाल का नज़ारा था। अभी मैंने चेक किया, इंटरनेट नहीं आ रहा था, पर मैं देख कर बता देता कि कौन से महीने में मैं आया था। मैं घर जाकर चेक कर लूँगा, नीचे डेट आ रही होगी अगर आप इस मंथ में आए यहाँ, क्योंकि वो जो टाइम है वो असल टाइम है यहाँ पर नज़ारे देखने वाला। क्योंकि ये जगह मुझे लास्ट टाइम यार इतनी खूबसूरत लगी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि एक दो बार दोबारा फिर यहाँ जाऊँ। नज़ारा अभी भी खूबसूरत है लेकिन क्योंकि अभी मौसम वैसा नहीं है, और दूसरी चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी, वो सामने पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई अभी, तो वो व्लॉग लाजमी देखिएगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो व्लॉग देखिएगा कि इस जगह पर क्या ही नज़ारे होते हैं। डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ रही है ना, ऐसी गंदी टैनिंग होगी और कुछ हद तक हो भी चुकी होगी। तो चलते हैं नीचे, चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं बंजोसा लेक। Thank you.
चीज है कि ये सीजन है नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ भी ऊपर भी खाने पीने की कोई फैसिलिटी है नहीं, नीचे खाई गला में है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है। वैसे एक मैं छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ अपने लास्ट टाइम वाले टूर का, ये देखें आप कि क्या नज़ारा था। घने बादल आए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, दूर पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई थी। खैर ये ब्लॉग जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये पूरा कंप्लीट देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जगह कैसी है। तो तोली पीर है, ये है ऑलमोस्ट कोई 8,800 फीट, और रावला कोट वो है ऑलमोस्ट 5,400 फीट, तो 3,000 फीट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है दोनों में। अनएक्सपेक्टेडली हमें क्लाउडी वेदर नहीं मिला, अदरवाइज यहाँ पर मोस्टली मौसम बहुत अच्छा होता है। हो सकता है शाम में यहाँ हो, बारिश भी हो सकती है, तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। जिस चीज़ की मुझे खुशी है, अब जो वेदर स्टार्ट हो रहा है, स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है, तो उसके सीन्स अपने ही होंगे। और इस दफा स्नोफॉल को हमने सही एडवेंचरस वे में कवर करना है, तो उसका कुछ प्लान करना है हमने लाजमी। ये हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ से कुछ खा के फिर ही आगे जाएंगे। अब ये स्ट्रेट जाएगा बंजोसा लेक। यार उसी बंजोसा लेक रोड पर ही देखते हैं। यहाँ पीछे एक जगह आई तो है, लेकिन वहाँ का सिटिंग एरिया मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। अब यहाँ आसपास ही देखेंगे, आगे नहीं निकलना। कोई जगह समझ ही नहीं आ रही थी, अभी आगे मार्केट एंड हो रही थी और उसके बाद फिर बंजोसा लेक का रोड स्टार्ट हो जाने लगा, तो इसलिए मैं देरी रुक गया। बस अब यहाँ से खा ही लेते हैं जो भी मिल रहा है। रोड ट्रिप हमारा इतना आला चल रहा है, पहले तोली पीर पर हमें वो नज़ारे नहीं मिले, वो मौसम नहीं मिला, उसके बाद हम खाना खाने के लिए आए, ना बैठने की जगह अच्छी थी, ना उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और ना ही कबाब का टेस्ट अच्छा था। और अब हम जा रहे हैं बंजोसा लेक की तरफ, मुझे उम्मीद है बंजोसा लेक हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं बंजोसा लेक का। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, बंजोसा लेक आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में।